नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। ताज़ा तीन खबरें की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहे। आपको बताते चलें कि अयोध्या जिले के बीकोपुर विधानसभा क्षेत्र के तोरो माफी दराबगंज के प्रधान प्रतिनिधि अहमद रजा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में प्रधानगणों ने समाजवादी पार्टी के नुक्कड़ सभा के दौरान भाजपा सरकार की नीतिगत व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और सपा में आस्था विश्वास जताते हुए काजी सराय के प्रधान विजय गौर, शारदा प्रसाद वर्मा, नित्यानंद उर्फ प्रमोद प्रधान, मोहम्मद सलीम, समसेर खान, संतराम आदि प्रधानगण ने थामा सपा का दामन, जिस मौके पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। न्यूज रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फूलचंद अयोध्या की खास रिपोर्ट। प्रधान संगठन के हम जिला महासचिव हैं। हम लोग 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जितने हमारे प्रधान के लोग थे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। एक तरफ शौचालय के नाम पर, केयर टेकर के नाम पर, सचिवालय के नाम पर, पंचायत सहायिका के नाम पर ग्राम प्रधान के निश से पैसा दिलाया जा रहा है। प्रधान को पीड़ा ये है, सरकार अगर हमारे मानदेय से पैसा क्यों देती है, वो अपना अलग धन कोई मुहैया कराना चाहिए। हम लोग अगर 1 लाख रुपए आता है तो सबसे पहले सरकार कहती है सबसे पहले आपको सचिवालय बनाना है, सचिवालय बनाने में 8-10 लाख रुपए लगता है। हम जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, जनता हमको चाहती है कि प्रधान जी जीते हुए 27 तारीख को मतदान होना है, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदान तो यही लोग सोच रहे हैं, जनता एकदम 2022 में ये देख रही, परिवर्तन देख रही है। तमाम पूर्व सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्तियों खाता में देंगे, लेकिन उन्होंने जरूर किसानों को दिया है, हाथ में एक टार्च दिया है, एक लाठी दिया है, रात में चौकीदार करने के लिए दिया है, चाहे रोजगारों को देख लीजिए, चाहे छात्रों को लाठी टार्च देख लीजिए। आज सत्ता जो है परिवर्तन मांग रही है, तो हमारे प्रधान संघ के जो 25-30 प्रधान के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि हम लोग अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों में आस्था रखते हैं। हम माननीय हमारे बीकापुर 274 विधानसभा के हाजी फिरोज का गब्बर प्रत्याशी हैं और हमारे प्रधान संघ ने कहा है हम इनको भारी बहुमत से जिता करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भेजेंगे। जब ये जीत जाएंगे और अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित प्रधान संघ और जितने भी नौजवान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, सारे लोगों की मुस्कान चेहरे पे आ जाएगी। इन्हीं नियुक्तियों को देखते हुए हम लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।